रांची में हटिया से तो नवीन जायसवाल ही जीतेंगे, ये तो कंफर्म है, बाकी आगे का मैं कह नहीं सकता। चाहिए बदलाव। हाँ। बदलाव बदलाव किसको? भाजपा भाजपा। हाँ, भाजपा। अच्छा भाजपा क्यों? सुरक्षा उरक्षा कोई कारण है? भाजपा हर तरह से ठीक है। बीजेपी है। नाम सुमित। भैया देखिए, सबसे पहले मुद्दा है पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई इतना खर्चा है ना? नहीं नहीं नहीं, बढ़िया। कांग्रेसी खानी कांग्रेसी। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता, रांची के डोरेंडा बाजार या और ये हटिया क्षेत्र में पड़ता है विधानसभा के जनता बाजार, जहाँ पर मौजूद भैया का नाम है? आनंद वर्मा नाम है। आनंद जी, ये बताइए यहाँ का माहौल क्या है? माहौल ठीक है। संभावना किसकी है? किसकी है चुनाव में? बीजेपी के। हम लोग तो बीजेपी के, तो हम लोग तो बीजेपी बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी। यस यस। भैया क्या लगता है किसके यहाँ संभावना है? बीजेपी लग रहा है। बीजेपी लग रहा है। नाम क्या है? हम लोग तो बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार है। भैया क्या नाम है? हाँ, राकेश नाम हुआ। राकेश जी, क्या लगता है किसकी संभावना? हाँ, बीजेपी। हाँ, रांची में बीजेपी। सब बीजेपी। आप बताइए। हम भी बीजेपी है। नाम सुमित। क्या लगता है झारखंड में क्या बदलाव चाहिए वही सरकार? झारखंड में क्या माहौल है? अब हम राजनीति का उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए हम। अरे ये तो डिसाइड होगा ना किसने अच्छा काम किया नहीं किया। क्षेत्र काम किसी और से पूछिए, वो लोग जवाब। क्या लगता है? महंगा बोल रहा है। कौन सी सस्ता है आपको? अरे यही सरकार चाहिए, बदलाव चाहिए। भैया देखिए, सबसे पहले मुद्दा है पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई इतना खर्चा है ना? नहीं नहीं नहीं, बढ़िया मुद्दा है। इतना खर्च है, पब्लिक कमाई उतना कमाई नहीं जितना पढ़ाई लिखाई में खर्च। महंगाई का दौर बहुत ज्यादा है। तो अलग इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? समाधान तो भाई, नेता लोग एक से बदलते आते जाते हैं। अब जो उनसे विश्वास है, हम क्या विश्वास करें? अब कौन आएगा? हटिया में किसकी संभावना है? बदलाव चाहिए हेमंत फिर से? अब हेमंत के बात नहीं है, बात है कि अब वोट पर बात है। एक आदमी का वोट पे जीतेगा नहीं ना, आम जनता जो दे। एक एक आदमी राय से जो है बोरा भर जाता है। अब से हम लोग भैया कांग्रेसी कांग्रेसी, मतलब तो जीते या हारे? जे मैम जीते या हारे हम लोग? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, खुल के। ये यहाँ के लोकल बाजार है, जनता बाजार इसे कहते हैं, और भैया टमाटर बेच रहे हैं। दादा क्या माहौल है? माहौल तो आप देख ही रहे भैया। नहीं वो तो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? महंगाई हुआ है। महंगाई है, महंगा है। हाँ, संभावना सरकार की क्या है? संभावना सरकार की, सब सामान को महंगा किए हुए है। दाल सब महंगा हो गया है, तो साग सब्जी सस्ता हो जाएगा। अच्छा, एक महीना के बाद ये सब डाउन हो जाएगा भैया। तो ये हेमंत सरकार फिर से चाहिए या फिर बदलाव चाहिए? अभी नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं। इसलिए ना कौन आएगा? नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। फिर एक बार बात करेंगे अच्छी इनसे पूछने को बात। अरे वो अपने ही बात करेंगे। ये बाजार सब्जी मंडी है। दादा का नाम हुआ? क्या नाम है दादा? आशीष। क्या लगता है इस बार रांची में बदलाव या वही सरकार? भैया ये सब तो मालूम हमरा नहीं है। नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। भैया सम्मान योजना वोजना मिलती है दादी? मिलता है? नहीं, हम लोग का कोई सम्मान योजना नहीं है। बिजली उजली? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। यही सरकार चाहिए बदलाव। हाँ, बदलाव। बदलाव किसको? भाजपा। 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 अच्छा भाजपा क्यों? सुरक्षा उरक्षा कोई कारण है? भाजपा हर तरह से ठीक है। और जे मैम ये बात करेंगे? हाँ बोलिए। क्या लगता है, क्या संभावना है झारखंड में? झारखंड में, झारखंड में हेमंत भैया के आने की संभावना ज्यादा है। बोले बोले बोले, पूछिए। हाँ, तो क्या लगता है रांची में किसकी संभावना है? रांची में हटिया से तो नवीन जायसवाल ही जीतेंगे, ये तो कंफर्म है, बाकी आगे का मैं कह नहीं सकता। लेकिन ओवरऑल जहाँ तक झारखंड की बात है, तो जेएमएम की सरकार बनेगी। जेएमएम दिखेगा। क्या लगता है किसकी संभावना है भैया? जेएमएम में कौन? बस हेमंत सोरेन। झारखंड में कौन? वही झारखंड सरकार जो भी है। विशाल की रिपोर्ट, आएगा चाहे कल आए। अरे हम लोगों से बात करें, एक ही आदमी से क्या सब पूछे? पूछो ना भाई, पढ़ा लिखा आदमी है यार, ऐसा थोड़ी है।
क्या लगता है, क्या क्या मुद्दे हैं? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने अच्छा काम किया है। अभी मैया योजना जो उन्होंने निकाली है वो अपने आप में लाजवाब है, रोजगार देने में भी उन्होंने काफी हद तक सफलता पाई है। पहले आने से पहले बहुत से वादे किए थे, कितने पूरे हुए? बहुत सारे वादे पूरे हो गए हैं और कुछ अभी आने वाले समय में पूरे हो जाएंगे। लोग कहते हैं मैया समान ये योजना चुनाव से ही पहले दिए गए, हाँ, क्या कहेंगे? हालांकि ये तो लेट थोड़ा सा हुआ है, लेकिन ये सरकार के पॉजिटिव संकेत का ही ये परिचायक है कि चलो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अच्छा, देर से आए दुरुस्त तो ठीक है, क्या अगर वापस होते तो क्या दोबारा 5 साल दे पाएंगे? निश्चित रूप से दे पाएंगे, उनमें वो गट्स है, उनमें वो साहस है, उनमें वो काम करने की काबिलियत है। साहस से भी तो वो चीज़ है ना, खजाना भरेगा कहाँ से? नहीं होगा, वो धीरे धीरे उसकी व्यवस्था करेंगे। हालांकि देखिए जहाँ भी सरकारी कर्मचारी है उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा ये पुराना पेंशन योजना लागू करके उन्होंने अपनी मजबूती प्रदान की है और हम लोगों को भी एक सहायता के रूप में, बुढ़ापे की एक लाठी के रूप में प्रोवाइड किया है। इसीलिए मुझे तो पूरी उम्मीद है कि उनकी सरकार आनी है। जी मैम, जी ठीक है। अब बाकी यहाँ और लोगों से बाजार है तो जाहिर सी बात है तरह तरह के लोग होंगे। दादी कौन सरकार अच्छी है? हाँ, कोई नहीं अच्छा है, कोई नहीं अच्छा है। भैया किसकी संभावना है? भैया भैया एक मिनट रुकेंगे? नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। अरे भैया एक मिनट रुक जाइए, बाथरूम तो अरे बाथरूम कोई बात नहीं, बाथरूम तो। दादा क्या लगता है झारखंड में बदलाव या वही सरकार? झारखंड में किसकी संभावना है? झारखंड में कौन सरकार बनाएगा? कैसे चल रही है? कौन नहीं? कोई नहीं। झारखंड में क्या बदलाव है? ठीक है ठीक है, आप यही बोल दीजिए। समझ में नहीं आता है, हम लोग कुछ समझ में नहीं आता। नहीं ये बताइए मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मैया सम्मान योजना का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दीदी मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है नहीं? सब चीज का लाभ है। अच्छा यही सरकार चाहिए बदलाव? यही सरकार चाहिए, और कौन सरकार चाहिए? और कौन सरकार? हेमंत सरकार। हाँ, और कौन सरकार चाहिए? चल रहा है जिसी तरह चल रहा है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं।